हम सेजा के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वह उन्होंने आकारों की मूल सौंदर्य या मूल आकार की को प्रस्तुत करने के लिए अपना एक तरह से उनका पुनर्निर्माण किया और वह चित्रण के लिए नेत्र तथा मस्तिष्क दोनों को आवश्यक मानते थे और वे रंगों को जो है आकारों को स्पष्ट करने का माध्यम मानते थे। वे वस्तु के स्वाभाविक आकार तथा त्रिआयामी प्रभाव को परिणाम कारक रूप में चित्रित करने का प्रयास करते थे और उनके चित्रों में वस्तु का नैसर्गिक आकार तथा शुद्ध आकार सौंदर्य दिखता है। उन्होंने अपने चित्रों में समरूप चित्रण किया है और उनके ऐसे चित्रों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो द बाथर्स और कार्ड प्लेयर्स ऐसे चित्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह से उन्होंने आधुनिक कला को जो सबसे महत्वपूर्ण बात दी थी वह वही थी कि निसर्ग को वृत्त चित्र गोल तथा शंकु द्वारा प्रतिरूप दो, जो कि एमिल बर्नार्ड से उन्होंने चर्चा के दौरान कही थी और यही बात आगे चलकर आधुनिक कला के लिए एक ब्रह्म वाक्य के रूप में प्रस्तुत हुई। पिकासो और ब्रॉक दोनों ने ही इस ब्रह्म वाक्य को लेते हुए आकारों का पुनर्निर्माण किया और संयोजन में उसे पुनर्संयोजित किया। संयोजन आकार, अगर हम संयोजन की बात करें तो वह एक धरातल पर वस्तुओं या आकारों को रेखाओं और रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक तरीका है या एक संयोजित या एक एक तरह से एक नियम है या रूप है या उसका प्रस्तुतिकरण है। तो जहाँ पहले खाली जो दिख रहा है उसी को चित्रपट या धरातल या कैनवास पर चित्रित कर देना मूल उद्देश्य होता था या विषय को प्रस्तुत करना मूल उद्देश्य होता था, उसके स्थान पर पुनर्निर्माण और संयोजन यह कला का मुख्य उद्देश्य हो गया और इसी वजह से व्यक्तिगत रूप या मौलिकता कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती चली गई। तो कला के तीन मुख्य तत्व होते हैं, आपके आकार, रंग और प्रकाश। अगर प्रकाश को भी हम एक तत्व के रूप में देखें या छाया प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, तो सेजा के लिए अपने चित्रों में जो प्रकाश वह प्रकाश नहीं था जो प्रभाववादी कलाकारों के लिए था। जहाँ प्रभाववादी चित्रकार प्राकृतिक प्रकाश को महत्वपूर्ण मानते थे, उसके स्थान पर सेजा ने के चित्रों में काल्पनिक, कालातीत या अपरिवर्तनशील प्रकाश का उन्होंने चित्रण किया। यह प्रकाश सूर्य के द्वारा आ रहा प्रकाश नहीं होता था बल्कि कलाकार की प्रतिभा से उत्पन्न होता था। उनकी कला के बारे में जॉन कैनेडे का कथन है कि सेजा ने प्रकृति संबंधी नियमों की उपेक्षा करके स्वतंत्र चिंतन के द्वारा प्रकृति को समरूप रूप में चित्रित करने के लिए चित्रकार की स्वतंत्रता को स्थापित किया। अपनी भावनाओं तथा प्रविधि के अनुसार चित्रण करके विषय वस्तु के मूल सार तत्व को व्यक्त करना तथा प्रकृति के बाहरी
रूप से अविचलित रहकर अभिव्यक्ति के भिन्न पोषक तत्वों को स्वीकार करना, यही आधुनिक कला का सार है। तो जो कलाकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति थी, उसको स्थापित करने में सेजा का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जहाँ कलाकार पहले प्रकृति का अंकन या अनुकृति करता था, प्रकाश जो कि प्राकृतिक प्रकाश या स्टूडियो में उनके द्वारा संयोजित प्रकाश होता था, उसके स्थान पर कलाकार सेजा ने अपने चित्रों में एक काल्पनिक प्रकाश की उत्पत्ति या की काल्पनिक प्रकाश की उत्पत्ति इस तरह से की कि जिस वस्तु को उन्हें प्रकाशमान करना होता था, वह उसको हल्के रंगों में या प्रकाशित दिखाते थे, और जिन वस्तुओं को आकारों को उनको कम गहरा दिखाना होता था, तो वहाँ प्रकाश उनका कम हो जाता था। अगर हम प्राकृतिक प्रकाश की बात करें तो वो एक किसी एक सोर्स या क्षेत्र या दिशा से आता है, और फिर वह चित्र के विभिन्न आकारों पर उसी नियम को की पालना करते हुए फैल जाता है। अगर जैसे सीधे हाथ की दिशा से प्रकाश आ रहा है, तो उल्टे हाथ की जो आकृतियां हैं वह सब उनकी दिशा में वे गहरी हो जाएंगी, और उनका सीधा हाथ वाला हिस्सा प्रकाशमान रहेगा। और अगर हम कलाकार का के काल्पनिक या कलातीत प्रकाश की बात करते हैं, तो वह उसमें अपने इच्छा अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। वह वहाँ बाध्य नहीं है कि किसी प्रकाश को किसी एक पर्टिकुलर सोर्स या दिशा से आते हुए बाकी चित्रों या बाकी तत्वों का निर्माण करे। उनके आरंभिक चित्रों में चाचा डोमिनिक, ब्लैक वॉच और पिता के व्यक्ति चित्र में इन्हीं गुणों का समावेश है। और 1872 में सेजा ने पांतवाज में प्रकृति चित्रण किया, और इन चित्रों में भी रंगों को मोटी मोटी परतों में इन्होंने प्रयोग किया। जो रंगों को भी इन्होंने एक जैसे जुलाहा जो अपने कपड़े को बुनता है, तो वैसे ही रंगों की मोटी मोटी परतें लगाकर और एक जुलाहे के अनुरूप समान उन्होंने प्रकृति चित्रों को भी चित्रित किया है। और 1874 में जब प्रभाववादी कलाकारों की पहली प्रदर्शनी हुई थी, तो उसमें इनके चित्रों को देखकर इन किसी एक कला समीक्षक ने इन्हें पिस्तौल कलाकार, पिस्तौल पेंटर कहकर भी आलोचना की थी, और इनके फांसी दिए व्यक्ति का मकान, हाउस ऑफ ए हैंग्ड मैन नामक चित्र जो है इनके प्रभाववादी कला का उदाहरण है। और सेजा अपने चित्रों को पहले पूर्व में उसकी योजना बनाते थे, उसके बाद चित्रण करते थे। उनका कहना था कि दृश्य का प्रभाव नवजात शिशु की चाक्षुक संवेदनाओं की भांति असंबंधित तथा सार्थकता रहित होता है, उसे विचार तथा संशोधन के द्वारा सुरक्षित, साकार तथा सार्थक करने का कार्य चित्रकार करता है। कि जो जैसे दृश्य का जो प्रभाव होता है वो एक बिल्कुल नवजात बच्चे के समान होता है, कि उसको जो चीज़ें दिख रही होती हैं उसका कोई वह अर्थ या संबंध
नहीं स्थापित करता कर पाता, और उस विचार को हम संशोधन के द्वारा उसको संयोजित करके चित्र के रूप में साकार करते हैं। तो ये हमने पढ़ा भी सेजा के बारे में, कुछ उनके चित्रों के बारे में, और आगे हम उनके जीवन और चित्रों से संबंधित और बात करेंगे। धन्यवाद।